क्षेत्र के शायद व्यक्ति थे, उनकी मौत अभी दर्शक के शहर से के द्वारा हो गई यहाँ पे। चौक के समीप में मोड़ी मिल के पास जो ये साउटोला सिंगा मकनपुर के गांव के समीप अभी जस्ट दुर्घटना हुई 10 चक्के टायर वाली ट्रक से, जिसमें से उनकी मौत हो गई घटनास्थल पर भी। यहाँ प्रत्येक महीने प्रत्येक बार साल में कम से कम 5-6 बार इस जगह ऐसे दुर्घटना हो चुकी है, और NH-31 है जिसमें कि यहाँ हमारे प्रशासन के द्वारा गश्ती भी दिया जाता है जो कि उनकी सुरक्षा के लिए, तो पर भी लोग ज़्यादा अपनी मृत्यु गवा बैठते हैं NH के कारण। और छोटी जगह में यहाँ बाईपास के द्वारा हो चुका है, जो कि यहाँ ज़्यादा घटनाएं होती है ग्रामीण होते हुए भी। आगे में स्कूल है, स्कूल के बच्चे के एक साथ एक बार मौत हो गई, और आज एक कोर्ट के स्टाफ थे उनकी भी मौत हो गई अभी अभी 5 के बज रहे। इसमें दोषी कहाँ लग रहा है आपको? दोषी लग रहा है कि यहाँ बाईपास हो NH मकनपुर चौक के पास, और ठोकर हो विद्यालय के समीप भी बच्चे इर्द गिर्द खेलते रहते हैं, जो कि ग्रामीणों की सुरक्षा हो। सड़क के बगल में सड़क के बगल में गांव है, कुछ बोले सड़क के बगल में गांव है, और गांव के बगल में आस पास जाने आने के लिए दिक्कत होता है। असल से इतना ही मांग करूँगा यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों एवं यात्रीगण को यात्रा करने में सुलभ और सुरक्षित सुरक्षित व्यवस्था मिले। सब ज़्यादा है, मतलब चरपा तो स्कूल है और बच्चे सब आते जाते रहते हैं, और पिकअप में जो है गाड़ी रहता है, जाते आते रहता है पिकअप में। यहाँ ठोकर चाहिए यहाँ रोड पर।